Hey, what's up everybody? My name is Karan and welcome back to my channel again. My channel name is Exam Dapri. आशा करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो यार देखो, अब कमेंट के का जो टेस्ट है आप लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है, तो अब उसी का डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ कि अगर आप लोगों के मार्क्स आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं और ऑन एन एवरेज आपको अपने मार्क्स पता है, तो उस मार्क्स पे आपकी रैंक क्या हो सकती है और उस रैंक पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटी बनेगी, तो उसी को लेकर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमेशा की तरह लेफ्ट में आपको सारी चीजें दिखाता हुआ चलूंगा। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं, इस साल अगर आप देखोगे तो कमेंट के को अपीयर करने वाले बच्चों की जो काउंट है वो काफी ज्यादा है, तो वो भी एक मतलब इफेक्ट करेगा इस साल की कट ऑफ को और आपकी रैंक को। तो हमेशा की तरह लेफ्ट में आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि मैंने रखा हुआ है रेंज ऑफ द रैंक एंड स्कोर। आपके 180 में से जो भी स्कोर आ रहे हैं उसके बगल में मैंने रखा हुआ है। तो अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 170 से 180 तक, तो आपकी जो रैंक है लगभग 1 से लेकर 10 तक आपकी रैंक बन जाएगी। अगर उसी तरह अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 160 से 169 तक, तो लगभग आपकी जो रैंक है वो 50 के आसपास, और 150 से 159 तो 150 के आसपास आपकी रैंक, और अगर 140 तक आपके मार्क्स आ रहे हैं तो 350 तक आपके जो रैंक है वो बनने की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर मैं थोड़ा सा और नीचे आ जाऊं, अगर आपके जो मार्क्स है वो 130 से 140 के बीच में आ रहे हैं तो आपकी जो रैंक है लगभग 800 तक, और अगर आपके जो मार्क्स हैं 120 से 130 के बीच में तो आपकी जो रैंक है 1700 तक, अगर आपके जो मार्क्स है वो 110 से 120 के बीच में तो आपकी रैंक लगभग 3200 तक, अगर आपके मार्क्स हैं 100 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपकी जो रैंक है लगभग 3000 से 5000 के बीच में, और अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 99 से 90 के बीच में तो आपकी जो रैंक है लगभग 5000 से 9700 तक आपकी बनने की पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 80 से 89 के बीच में तो आपकी जो रैंक है वो 9000 से 14000, और 70 से 79 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी जो रैंक है लगभग 14000 से 23000, और 60 से 69 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो 36000 तक, 23000 से 36000 तक, और अगर 50 से 59 आपके मार्क्स आ रहे हैं तो 36000 से 43000 तक, और 40 से 49 मतलब 50 आपके मार्क्स आ रहे हैं तो लगभग 45000 तक, 43 से 45000 तक आपकी रैंक की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये एक मोटा मोटा एक आइडिया है कि अगर आपके जो मार्क्स आ रहे हैं तो उस पर ये आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग और चलते हैं कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि इस रैंक पे ये आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर की जो आरवी की जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, तो वो आरवी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 299। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 299 अगर आपकी जो रैंक है, तो अगर आपकी रैंक 290 है तो लगभग आपको मार्क्स चाहिए 150 के आसपास आपको मार्क्स चाहिए। अगर मतलब मैं फर्स्ट राउंड के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपके 150 के आसपास भी मार्क्स हैं तो आपको फर्स्ट राउंड में ही बड़ी आसानी से आरवी मिल जाएगा। अगर मैं बीएमएस की बात करूं तो यहाँ पे बीएमएस आपको दिख रहा होगा, बीएमएस की जो फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ थी वो थी 943। तो अगर 943 अगर आप देखोगे तो 943 जो है वो यहाँ पे आपकी जो रैंक बन रही है वो लगभग अगर आपके मार्क्स हैं 120 से 130 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो रैंक है वो 900 के अंदर आ जाए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं दयानंद सागर की, जो कि ऑल्सो एक वन ऑफ द पॉपुलर कॉलेज, अगर आपकी 3000 के आसपास आपकी रैंक है तो लगभग आपके मार्क्स जो होने चाहिए 109 से लेकर 110 के बीच में होने चाहिए। तो एक मोटा मोटा आइडिया हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है, इसको आने वाले टाइम पे और डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है आप जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।